हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक फॉर यू। और आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ चटपटी फ्राइड ग्रीन चिली, जो आप खाने के साथ में खा सकते हैं। उससे खाने का स्वाद दोगुना हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ 100 ग्राम मिर्चा लिया है, उसको अच्छे से धो लिया है, उसके डंठल को तोड़ दिया और उसको सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे लंबा भी कट कर सकते हैं। सारी मिर्च मैंने कट कर लिया है। मिर्च को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ सरसों का तेल, अमचूर पाउडर, कुटी हुई सौंफ, इसको मैंने बारीक दरर लिया है, हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, हींग और नमक। सबसे पहले एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हींग डालकर अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, उसको अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल करके अच्छे से भूनेंगे, 1 टेबल स्पून कुटी हुई सौंफ और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे। थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे, 2 मिनट के बाद चेक करेंगे, उसको फिर चलाएंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे। लास्ट में 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर डालेंगे, उसको अच्छे से चला लेंगे। थोड़ा सा पकने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको एयर टाइट कंटेनर में निकाल लेंगे। आप इसको 2 से 3 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।